दोस्तों आप में से कई लोगों को कोई नया गाना सुनते ही उस गाने की मूवी को देखने का मन करता होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं 2010 के बाद रिलीज हुई तीन ऐसी मूवीज के बारे में जो सिर्फ अपने सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है। नंबर 3, 2016 में रिलीज हुई ए दिल है मुश्किल। म्यूजिकल रोमांस पर बनी इस फिल्म में लीड रोल रणवीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा का था। इस मूवी के कई गाने तो आपने चलते फिरते सुने ही होंगे, एग्जाम्पल के लिए इसका टाइटल ट्रैक और चन्ना मेरेया सॉन्ग। आपको बता दूं इस मूवी का बजट 100 करोड़ का था और कलेक्शन 237 करोड़ का हुआ। नंबर 2, 2013 में रिलीज हुई आशिकी 2। ये भी अपने फर्स्ट पार्ट की तरह सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है। फिल्म में लीड रोल के तौर पर आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर थे। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मूवी का बजट 15 करोड़ का था और कलेक्शन 100 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ। नंबर 1, ओम शांति ओम। एक्चुअली ये फिल्म 2010 से 3 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन इसका नाम लेना जरूरी था क्योंकि ये दीपिका पादुकोण की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी। सॉन्ग्स की बात करें तो इसकी पूरी एल्बम हिट गई थी। और आपको बता दूं 30 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने लगभग 150 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करा था। दोस्तों आपको किस मूवी के सबसे बढ़िया गाने लगते हैं कमेंट में जरूर बताना।